सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज, फाइनली हनुमान मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। एंड भाई साहब, ये ट्रेलर मेरे दिमाग से ही निकल गया, क्योंकि यहाँ पर आज पता था कि ट्रेलर आने वाला है, लेकिन अचानक से भाई साहब मैं भूल गया कि आज ट्रेलर आने वाला है हनुमान मूवी का। लेकिन अभी मुझे पता चला, एक घंटा हो चुका है ट्रेलर आने के बाद, अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ भाई साहब एक घंटे बाद। लेकिन ट्रेलर की अगर बात की जाए तो गाइज, तीन मिनट की भाई साहब इसकी ड्यूरेशन है, लगभग 3 मिनट और 30 सेकंड की। एंड भाई साहब, ये ट्रेलर का अगर मैं एक वर्ड में रिव्यू करूँ ना गाइस, टोटली गूज़बम्स वाला ट्रेलर। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, पूरा यार एक्शन पैक्ड ये ट्रेलर था। पूरे ट्रेलर में हमें एक्शन ही एक्शन देखने को मिलता है। एंड जो इसका VFX है भाई साहब, वो इसके बजट के हिसाब से ना काफी ज्यादा सही है। मुझे तो पसंद आया है गाइस, इसका ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि आपने गाइस इसका जो BGM है, ट्रेलर के जो सॉन्ग से चलते हैं स्टार्टिंग भाई, जो सॉन्ग चलता है टोटली गूज़बम्स वाला, मतलब कि पूरा जो ट्रेलर है वो गूज़बम्स से भरा हुआ है। एंड जो BGM चलते हैं वो काफी ज्यादा भाई अच्छे मुझे लगे हैं इस ट्रेलर में। और जो अपना भाई साहब सुपर हीरो है, पहले तो देखो गाइस ट्रेलर एक अलग टोन में चल रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद, मतलब कि आधा ट्रेलर होता है, आधे से पहले ही, मतलब कि अचानक से इसकी टोन चेंज हो जाती है, मतलब सुपर हीरो वाली वाइब्स आने लग जाती है, क्योंकि सुपर हीरो में ही वो पूरा ट्रेलर कन्वर्ट हो जाता है। एंड काफी सारे हमें उसमें विलन्स भी दिखाए जाते हैं। एंड अपना जो सुपर हीरो है भाई, वो तो किसी से कम नहीं है, लेकिन सुपर हीरो की तरफ भाई साहब इस मूवी का जो स्टोरी है वो जाने वाली है, और मेकर्स ने भी कहा है कि ये एक सुपर हीरो वाली मूवी होने वाली है। तो मैं तो काफी ज्यादा गाइज इसके लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार अपने इंडिया में ऐसी मूवीज काफी कम बनती है, अभी सुपर हीरो वाली मूवीज काफी कम बनी है इंडिया के अंदर। अब भाई साहब, अगर मार्वल जैसी मूवीज अपने इंडिया में बनेगी तो फिर क्या होगा भाई साहब, सबको पता है, खत्म हो जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स। तो गाइस इसको सपोर्ट हमें करना चाहिए, क्योंकि एक सुपर हीरो टाइप वाली ये मूवी है। एंड हनुमान भाई साहब अपना जो सुपर हीरो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड लास्ट वाला गाइस, आपने सीन देखा जिसमें अपना हनुमान मतलब सुपर हीरो हेलीकॉप्टर को रोक रहा होता भाई, वो किसी कोई चीज होती है, मतलब कि वो नाम क्या है उसका मैं भूल गया, लेकिन वो रोक रहा होता है, वो आउटस्टैंडिंग सीन था। एंड जो सबसे ज्यादा मुझे ट्रेलर में सबसे ज्यादा भाई पसंद आया ना सीन गाइस, वो था लास्ट वाला सीन हनुमान जी वाला। जी हाँ गाइस, टोटली गूज़बम्स वाला यार वो सीन क्या था, मतलब कि अभी मैं बोल रहा हूँ और उसको इमेजिन कर रहा हूँ ना, तभी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई साहब। ऐसा वो सीन था कि इमेजिन कर रहा हूँ फिर भी उसके भाई साहब गूज़बम्स आ रहे हैं। अब देखो गाइस, मुझे तो वो सीन सबसे ज्यादा पसंद आया भाई साहब ट्रेलर में, मतलब ट्रेलर पूरा एक तरफ और वो अकेला भाई जो हनुमान जी वाला लास्ट वाला सीन होता है ना, वो एक तरफ भाई, लिटरली वो अमेजिंग सीन था, टोटली गूज़बम्स वाला सीन था। तो गाइस मुझे तो पसंद आया है भाई साहब हनुमान मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर। वैसे आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज से गाइस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसी ही और नई वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।